में पॉलीएथिलीन पॉलीप्रोपिलीन के दाम बढ़ने का फायदा किन किन कंपनियों को होगा और क्या आप इस समय कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहेंगे? हाँ, गुड आफ्टरनून अर्चिता. तो यू आर सीइंग अक्रॉस द बोर्ड कमोडिटीज राइज, वेदर इट फर्स्ट इट वाज सॉफ्ट कमोडिटीज, देन मेटल्स, नाउ इट इज द टर्न ऑफ यू नो हाई डेंसिटी प्रोपिलीन एंड प्रोपिलीन. तो ऑब्वियसली रिलायंस, आई वुड ऑल्सो से गेल कैन बी अ बेनिफिशियरी बिकॉज गेल का जो स्पेयर निकलता है गैस उसकी उसमें से, तो दैट दे ऑल्सो हैव अ डिविजन ऑफ दिस दिस प्रोडक्ट, सो गेल कुड बी अ रिलेटिव बेनिफिशियरी. असाइड फ्रॉम दैट, DCW वुड बी अनदर नेम विच कम्स टू माई माइंड, बट इट टेल्स मी that the commodity cycle is up and running, Harshita, so you cannot miss the woods for the trees. Reliance will definitely see much, much more traction because Jio ke numbers ko agar aap discount kare to baki businesses including shale gas are doing extremely well. जी हाँ, तो एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आ रहा है गेल जैसे कंपनियों में और DCW DCM श्रीराम जैसे स्टॉक्स रैली कर रहे हैं. अच्छा भसीन साहब, आज फिर वॉलिटिलिटी देखने को मिल रही है और इस वॉलिटिलिटी का फायदा उठाया कैसे जाए, बताइए कौन सा स्टॉक आपने निकाला है, ट्रेड क्या लें? तो अर्चिता, आपको तो मैंने उसी शुक्रवार को ही कहा था ये सब घबराहट में लेने का मौका है, और मैं कह रहा हूँ अगले 15 दिन तक उतार चढ़ाव रहेगा, फिर मौका नहीं मिलेगा. तो 15 दिन का सिप कीजिए, 15 मार्च के बाद 15,500 का इंडेक्स होएगा, और इस कारण से ये वॉलेटिलिटी आपको तभी फायदा देगी अगर आप डिप्स पे अच्छे शेयर ले सके. बाय द फियर, आपको उस दिन ICICI, HCL, टेक महिंद्रा कहा था, देखिए आज के टॉप गेनर्स हैं. मैंने NBCC आपको 32-33 पे कहा था, आज उसका हाई है 49.50. अब आपको मैं दो प्लिक्स कह रहा हूँ, फिर PSUs, और PSUs हर्षिता आर गोइंग टू बी द बुल मार्केट ऑफ दिस ईयर, इज नेवर बीन सीन इन द लास्ट 5 ईयर. तो अभी तो शुरुआत है. NBCC 75 रुपए और BHEL का भाव 100 रुपए, ऐसे ही आपको तेजी दिखा रही है. तो अब आप कहें तो दो पिक्स हैं, दोनों PSUs हैं. तो पहला होएगा गेल, जो आपने कहा 44.44 पे गेल इज गोइंग टू बी अ रिलेटिव बेनिफिशियरी ऑफ ग्रास प्राइसिंग वॉल्यूम एंड दिस ऑन पॉलीप्रोपिलीन एंड दैट इज वन ऑफ द डिवीजन. कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 40, इट कैन गो टू 155. दूसरा पिक है कैश का शेयर है इंजीनियर्स इंडिया. इंजीनियर्स इंडिया इज अ डेट फ्री कंपनी, इट हैज ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ ऑन बैलेंस शीट एंड इट डज एवरीथिंग ऑन द इंजीनियरिंग साइड फॉर ऑल द OMCs फॉर एनीथिंग टू डू विद हाइड्रोकार्बन एंड इंजीनियरिंग. This stock is, it came out with a buyback, unko stock bhi nahi mila, they had given a buyback price of 80-85. This stock should be 125 according to me. So I think that jaise NBCC aur baki mein re-rating hui hai, Engineers India is going to be, is arguably one of the most efficient and well-managed PSU stocks. 83.5-84 ka bhao hai, aap isme 78 ka stop loss rakhiye, lekin 110 ka target. ओके, तो ये फिलहाल दो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज, ट्रेड के EIL 100 का टारगेट है और गेल में भी एक मौका, तेजी की पोजीशन आप लेकर चलें. ये फिलहाल भसीन साहब ने आपके लिए स्टॉक्स किए हैं आइडेंटिफाई.